ये जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल की नली आती है इसे निकालते हैं और इसे हम जो है इसके अंदर से निकाल के फेंक देते हैं। और गाइस हमारी गाड़ी के अंदर जो तेल है इसे हम निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर पेट्रोल है वो बाहर आ रहा है। और अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस पेट्रोल को निकलते रहने देते हैं, इसका पेट्रोल टैंक खोलते हैं कुछ इस तरीके से। और फिर हमारे पास है यहाँ पर बहुत सारा पानी, करीब करीब 20 लीटर, इसे हम डाल देते हैं इस गाड़ी के पेट्रोल टैंक के अंदर कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये पानी ही है और ये सच में बहुत सारा पानी है। मतलब हमने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने गाड़ी को दारू से चलाया था, तो काफी लोगों ने कमेंट किया कि भाई हिम्मत है तो गाड़ी को पानी से चला के दिखाओ। तो आप देख सकते हैं कि हम जो है गाड़ी के पेट्रोल को टैंक को पानी से भर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम गाड़ी को पेट्रोल से नहीं बल्कि पानी से चलाने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर से करने की कोशिश मत कीजिएगा। राइट गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने इस पूरे टैंक को पानी से भर दिया है, ये पूरी तरीके से अभी पानी से भरा हुआ है। लेकिन गाइस यार इस तरीके से गाड़ी को पानी से चलाना तो इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचना होगा। तो हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी सिंपली कुकर की और कैल्शियम कार्बाइड की। ये है चीज गाइस, कैल्शियम कार्बाइड। और इसकी कमाल की बात ये है कि अगर हम इसे पानी के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर से एक कमाल की फ्लेमेबल गैस एसिटिलीन निकलती है और हम उसी से गाड़ी को चलाने वाले। क्योंकि यार नॉर्मली वैसे पानी से चलना तो यार आपको बताया, मुझे ही बताया कि नहीं हो सकता है, लेकिन इस तरीके से हम गाड़ी को पानी से ही चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सा कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा लिया है, इसे डाल दिया है इसके अंदर, और इसके साथ साथ हमें कुछ इस तरीके की एक नली की भी जरूरत पड़ेगी। ये आपको किसी भी मेडिकल वाले की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। इसे हम सिंपली कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नॉर्मल इंजेक्शन लगा रखा है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसके अंदर पानी डालते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से किस तरीके से गैस निकल रही है। फिर हम क्या करते हैं, हम सिंपली कुकर को बंद कर देते हैं। और अब जो गैस है वो यहां से निकलेगी। और यहां पर एक छोटा सा सिंपल सा मैकेनिज्म आता है जिसकी मदद से हम सिंपली से कंट्रोल कर सकते हैं कि इसमें से कितनी गैस निकल रही है या फिर नहीं। और गाइस अगर हम इस नोजल को ओपन करते हैं और यहां पर आग जलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से कितनी कमाल की फ्लेमेबल गैस निकलती है। देखो ये इतने गर्म है कि हम इसकी मदद से वेल्डिंग भी कर सकते हैं। देखो इसे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बाइक का एयर इंटेक वाला पाइप है। हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस जो ये जो सुई है, इंजेक्शन है, इसे सीधा ही इसके अंदर कुछ इस तरीके से डाल देते हैं। सर्दी की वजह से पाइप थोड़ी सी टाइट हो चुकी है, हमें ये ध्यान रखना है कि सुई ना तो मुड़े ना ही टूटे और सीधे ही इसके अंदर चली जाए कुछ इस तरीके से। और अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक कंट्रोलर है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये जो पूरा सेटअप है वो तैयार हो चुका है। तो चलो अब जो है गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल का टैंक है वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। तो चलो अब गाड़ी को चला के देखते हैं कि यार गाड़ी सच में जो है इस तरीके से चल पाती है या फिर नहीं। इसे कर देते हैं बंद। गाइस इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने इसलिए किया है ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम जो है कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, वरना काफी लोग कह सकते हैं कि पेट्रोल के अंदर टैंक था। तो चलो अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। गाइस तो गाड़ी स्टार्ट तो हुई है। गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है, हो गई, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से पेट्रोल से होती है। इसको थोड़ा सा नोजल को थोड़ा सा और खोलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। इतना
आसान भी नहीं है यार गाड़ी को पानी से चलाना। हिला। क्या दिक्कत है यार, सुई मुड़ तो नहीं गई यार? नहीं बिल्कुल सही है सुई तो यार, एक बार स्टार्ट हुई थी ना, स्टार्ट थका दिया इसने यार। हिला हिला इस बार ये दोनों ही बड़े वाले टुकड़े इसके अंदर डालते हैं, फिर इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। गैस अभी भी है लेकिन कम है, पानी बदला जल्दी ला यार, अंधेरा होने वाला है यार, वीडियो शूट कर रहे हैं अपन, पहले ही पानी डाल देते थोड़ा सा। इस बार दो बड़े वाले टुकड़े डाल देते हैं ना, बंद कर। अब गाड़ी स्टार्ट कर, नोजल खुला हुआ है, सुई भी लगी हुई है। भोर के दस से इधर भी तुम्हारा लग वो बोरे पानी गर्म क्या चलाना चाहिए, वरना उसकी जो मतलब उम्र है वो घट जाती है और इंजन को जो है इस तरह के कारनामों से काफी भारी डैमेज पहुंचता है। और गाइस आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी होने को बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि एसिटिलीन गैस के अंदर से निकलने वाला प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, हमारा कुकर फट भी जाता अगर हमने उसके अंदर ज्यादा मतलब मात्रा से ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया होता। तो आज के लिए बस इतना ही, आप देख सकते हैं कि हाँ यार थोड़ा सा दिमाग लगा के आप गाड़ी को पानी से भी चला सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।